नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, क्लाइमेट फास्ट, लद्दाख, सोनम वांगचुक, प्रकृति संरक्षण, छठवीं अनुसूची, पूर्ण राज्य। ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने इनमें से शायद ही कुछ शब्द अभी सुने हो। एक व्यक्ति जो आपके यहाँ पर सामने दिख रहे हैं, इनकी फोटो भी मैंने साइड में लगा के रखी है, आप देखें, इनका नाम है सोनम वांगचुक। ये लद्दाख से संबंधित हैं और पिछले 15 दिनों से अनशन कर रहे हैं। सिर्फ नमक और पानी पर ये जिंदा हैं। किसके लिए? क्लाइमेट को बचाने के लिए, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। साथ में उनके समर्थन में हजारों लोग हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया को एलविस यादव की गिरफ्तारी से दिक्कत है। मैं नहीं कह रहा कि आप एलविस यादव की गिरफ्तारी को मत दिखाइए, आप केजरीवाल की गिरफ्तारी को मत दिखाइए, लेकिन यहां पर जो 30,000 लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो 3,00,000 लोगों के अधिकार हैं, उनकी चर्चा भी इस मीडिया को करना चाहिए। मैं आप सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि न्यूज चैनल के अलावा भी हमारे देश में न्यूजें होती हैं, उनको देखें और परख कर काम करें, क्योंकि मीडिया किस तरीके से चीजें दिखा रहा है कि एक व्यक्ति का दुख इतना बड़ा है, तो इन 3,00,000 लोगों का दुख, जिनके लिए आपने वादा किया था, इनसे पिछले 10 साल से वादा हो रहा है, बीजेपी जब से सत्ता में आई है, जो भी लोग यहां पर लद्दाख में जाते हैं वो उससे वादा करते हैं कि हम आप छठी अनुसूची में शामिल करेंगे। छठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए ये जो व्यक्ति हैं, सोनम वांगचुक, ये पिछले 15 दिनों से अनशन कर रहे हैं। कितने दिनों से? 15 दिन से। आप 15 घंटे भूखे रहकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये व्यक्ति इंजीनियर हैं, समाजसेवी हैं, इनके पास जीवन जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन वो प्रकृति के लिए जी रहे हैं, वो अपने राज्य के लिए जी रहे हैं, और आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में बदलाव लाने के लिए ऐसे लोग जरूरी होते हैं। इन्होंने विरोध का रास्ता जो चुना है वो शांति का है, सत्याग्रह का है, गांधीवादी है। देखो, आज के इस बदलते दौर में, क्योंकि लद्दाख को ऐसे हाथों में जाने के लिए, ऐसे हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से उसका क्लाइमेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा, लद्दाख एक बॉर्डर है, अगर वहां के लोगों के साथ सही से ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो दूसरे देश के लोग जब उन्हें लालच देंगे, तो वो कब तक अपने देश के साथ खड़े रहेंगे? आप सोच के देखो, लद्दाख और सोनम वांगचुक अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करते हैं, लेकिन उनको इतना ना सताया जाए कि उनको स्थान ना दिया जाए जिससे उनको दुखी फील हो और गलत फैसला लेना पड़े, गलत रास्ता अपनाना पड़े। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि जब आप व्यक्ति की बात नहीं सुनते तो वो गलत रास्ते अपनाते हैं। क्लाइमेट फास्ट लद्दाख में सोनम वांगचुक कर रहे हैं पिछले 15 दिन से, लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों के लिए, राजनीतिक अधिकारों के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए। आप लोग कृपया करके मीडिया पे कभी अगर आपको मौका मिले तो इस मीडिया को एक बार बताना कि आपको सच भी दिखाना चाहिए, ठीक है? आप अगर ये चीजें फोटोज में लगा दे रहा हूं, आप यहां पे फोटोज देखिए आपको अलग अलग अंशंस की, और आप चाहें तो सोनम वांगचुक जो है इन्हीं के नाम से चैनल है, मैं आप जो टाइटल डिस्क्रिप्शन या टाइटल है उसमें मैंने इनका चैनल को ऐड कर दिया है, आप जाकर इनके चैनल को देख सकते हैं और इस आंदोलन के विचारों को, चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।